अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुलनाज कुकिंग। आज हम बनाएंगे शकरपारे। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, एकदम क्रिस्पी होते हैं। आप इसको चाय के टाइम में भी खा सकते हैं, शाम के वक्त भी। बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी लगता है और सिंपल सी रेसिपी है। उसके लिए हमें लगेगा 1 कप शुगर, 1 कप हमने इसमें पानी लिए हैं, 1/2 कप घी और थोड़ा सा हम नमक लेंगे। 1 कप शक्कर है तो 1 कप पानी रहेगा और इसमें 1/2 कप घी रहेगा। 1 कप पानी लिए है, 1/2 कप घी है तो उसमें जितना आटा लगेगा हम उतना इस्तेमाल करेंगे। एक बर्तन ले लिए, इसमें हम ये शुगर ऐड करेंगे, इसमें हम पानी को भी ऐड करेंगे, ये थोड़ा सा नमक और घी भी डालिए हम इसमें। इसमें शक्कर और घी दोनों मेल्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। इसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, अभी हम गैस ऑफ करेंगे और इसको ठंडा करेंगे और फिर एक बाउल में निकालेंगे। इसको हम एक बाउल में निकालेंगे। अब इसके अंदर हम आटे को मिक्स करेंगे, मैदे को। एक कप पानी और 1 कप शक्कर, 1/2 कप घी के लिए हमें लगा है इसमें 2.5 कप मैदा लगा है, 2.5 कप, और ये इसमें एकदम परफेक्ट है 2.5 कप मैदा। अब इसको हम गूंदेंगे। हमने इसको इस तरह से गूंद लिए, अभी इसको हम बेलेंगे और इसके पीसेस करके इसको फ्राई करेंगे। हमने ये इसमें रखे, इतना ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला है। इसके पहले हम साइड के किनारे कट करके लेंगे इस तरह से। अब इसको हम फ्राई करेंगे। हम ऑयल में फ्राई करेंगे, ऑयल गरम करने के लिए रखे हैं। ऑयल थोड़ा गरम हो जाए तो फिर गैस को स्लो रखना है और इसमें एक एक करके हम डालते हैं। 2 मिनट हमने इसको धीमी आंच में ही रखे, अभी हम गैस मीडियम करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। अब इसके हम साइड चेंज करेंगे। हम इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से लाइट गोल्डन करेंगे और फिर इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। बाकी के भी इसी तरह हम बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से देख सकते हैं आप, एकदम क्रिस्पी जैसा बना हुआ है और बहुत ही लाजवाब बना हुआ है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।